हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो एक क्लीनिंग वीडियो है और इस क्लीनिंग वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ब्लाइंड्स को क्लीन करना। और जब ये ब्लाइंड्स किचन में लगी हूं तो इन्हें क्लीन करना एक बहुत ही टफ टास्क हो जाता है, क्योंकि ये काफी ग्रीसी हो जाती हैं और ग्रीसी होने की वजह से इस पे जो धूल वगैरह है वो बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाती है और हार्ड भी हो जाती है उसे क्लीन करने का प्रोसेस। तो यहाँ पे एक डीप क्लीनिंग प्रोसेस मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इजी तरीके से, जिससे आपको ये मेथड बहुत ही आसान लगेगा और इसे आप वीकली या मंथली रिपीट कर पाएंगे। तो यहाँ पर तीन तरह के टूल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप ब्लाइंड्स को इजीली क्लीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ब्लाइंड काफी गंदी हो गई है, धूल इसमें काफी ज्यादा है, तो सिंपल डस्टर से आप इसे क्लीन नहीं कर सकते। तो चलिए चेक करते हैं कि हम क्या क्लीनिंग टूल्स यूज कर सकते हैं इनको क्लीन करने के लिए। सबसे पहले तो हमें इस तरह का माइक्रोफाइबर का जो डस्टर होता है वो चाहिए, जिससे हम इसके ऊपर की जो धूल है या जो भी हल्के से डर्ट पार्टिकल्स में है वो इसे निकल जाए। साथ ही मैं यूज करूंगी सॉक्स। यहाँ पर मैंने मोटी वाली सॉक्स ली है जो अंदर से इसमें रोए होते हैं। तो यहाँ पर तीन इजी वे में आपको बताऊंगी कि किस तरह आप साफ कर सकते हैं। यहाँ पर एक सॉफ्ट कपड़ा ले सकते हैं आप, कोई भी कॉटन का कपड़ा जो घर पे अवेलेबल हो, साथ ही माइक्रोफाइबर का क्लोथ या फिर इस तरह का स्पॉन्ज आप ले सकते हैं या स्कॉच ब्राइट को भी यूज कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए हमें सोल्यूशन एक बनाना होगा। तो यहाँ पे हमने बेकिंग सोडा और विनेगर लिया है जिसका एक सोल्यूशन प्रिपेयर करके इस बॉटल में रखा है, ये स्प्रे बॉटल में। तो इसे आप डेली क्लीनिंग में यूज कर सकते हैं ब्लाइंड्स को क्लीन करने के लिए। डीप क्लीनिंग कर रही हूँ आज, तो डीप क्लीनिंग के लिए मैंने यहाँ पर एमवे का एलओसी लिया है। ये एक मल्टीपर्पज क्लीनर है और बहुत ही इफेक्टिवली काम करता है इस तरह की ग्रीसी सरफेस पे। तो इसका भी मैंने एक सोल्यूशन बना के रखा है। यहाँ पर 1 लीटर वाटर में मैंने 1 कैप एलओसी डाला है और ये रेडी करके रखा है, इसे यूज करेंगे। साथ ही हमें जरूरत होगी टोंग की, 2 रबर बैंड लिए हैं मैंने। तो स्टार्ट करते हैं ये क्लीनिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले जो भी आसपास सामान है आपका वो हटा लीजिए, क्योंकि जो भी इससे डर्ट आएगी वो नीचे आएगी। तो आसपास का एरिया क्लीन कर लेंगे क्लीनिंग के लिए। और अब इसे ओपन करके हम डस्टर की हेल्प से जो ऊपर की धूल है उसे हम इस तरह हटा लेंगे जितनी पॉसिबल होती है उस तरह से। नेक्स्ट हम जो ये एलओसी का हमने सोल्यूशन बनाया है ब्लाइंड को क्लोज करके उसके ऊपर हम ये स्प्रे करेंगे अच्छे से, ताकि अच्छे से वेट भी हो जाए, क्योंकि ये सोल्यूशन जो डर्ट पार्टिकल है या जो ग्रीसी पोर्शन है उस पर रिएक्ट करेगा। तो अच्छे से हमने इसको स्प्रे करना है हर कॉर्नर में। एक तरफ से हो गया है तो इसको हम फ्लिप कर लेंगे दूसरी तरफ और ब्लाइंड की दूसरी साइड भी हम इसी तरह स्प्रे करेंगे। इसको अच्छे से हमने गीला करना है ताकि जो ये सोल्यूशन है वो इजीली रिएक्ट करे। अगर आप एलओसी नहीं है तो आप बेकिंग सोडा और विनेगर वाला जो सोल्यूशन है वो भी यूज कर सकते हैं। और अब इसे इस तरह स्ट्रेट करके 1/2 आवर के लिए रख देंगे। और 1/2 आवर बाद मैंने चेक किया है, ये देखिए किस तरह से ग्रीस निकल रही है इसमें से, हाथ से ही ये इजिली निकल रही है। तो अब टाइम है इसको क्लीन करने का और जो ये डर्ट है उसे वाइप आउट करने का। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगी 3 मेथड्स। फर्स्ट मेथड में हम यूज करेंगे एक कॉटन का कपड़ा। यहाँ पर मैंने ये अंडरशर्ट ली है जो काफी सॉफ्ट होती है, आप कोई भी कॉटन का क्लोथ ले सकते हैं और उसे टोंग पर इस तरह एडजस्ट करेंगे कि अंदर की तरफ ये कपड़ा रहे। और अब इसकी जो स्ट्रिप्स होती है ब्लाइंड की उस पर आप इस तरह इसको एडजस्ट कर लीजिए और इसको आगे की तरफ लेके जाएंगे तो सारी जो डस्ट है वो आके कपड़े पर चिपक जाएगी। इस तरह से आप देख सकते हैं काफी कलेक्स में से निकली है जो ग्रीसी पार्टिकल्स थे वो भी। तो आप एक एक स्ट्रिप्स को पकड़ के इस तरह से इस पर चलाएंगे तो ये आसानी से निकल जाता है। सेकंड जो मेथड है उसमें हम यूज करेंगे
ये जो सॉक्स मैंने ली है इसका अंदर का जो साइड है वो हम बाहर की तरफ कर लेंगे ताकि जो रोए वाला पोर्शन है वो इजीली धूल को एब्जॉर्ब करें। तो यहाँ पे दो सॉक्स ली हैं, इसको दोनों को इस तरह एडजस्ट कर लेंगे टोंग के ऊपर। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं और चाहे तो इसे बांध कर सिक्योर कर लीजिए या फिर रबर बैंड लगा सकते हैं ताकि ये जो सॉक्स है वो निकले नहीं। और यहाँ पर हम इसे ड्राई ही यूज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ब्लाइंड्स को हमने वेट किया हुआ है, तो जस्ट हमने जो वो सॉल्यूशन लगाया है उसे हटाना है उसके ऊपर से। तो बस ऐसे ही एक एक स्ट्रिप्स को लेके इसके ऊपर इस तरह इसको फ्लो कराएंगे और ये क्लीन होती चली जाएंगे और बहुत आसानी से हो जाती हैं। और ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पर जो भी मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो भी टूल्स मैं यूज कर रही हूँ, आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसको यूज कर सकते हैं या जो चीज अवेलेबल है घर पर उससे आप क्लीनिंग कर सकते हैं। इस तरह से मैंने सारी स्ट्रिप्स को किया है और ये देखिए काफी डर्ट इसमें आ गई है। थर्ड जो मेथड है वो बहुत ही इजी है और अगर आप स्पॉन्ज है तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्पॉन्ज लिया है, उसे टू पार्ट में डिवाइड कर देंगे और ये मेरा फेवरेट मेथड है, मैं जनरली इसी से क्लीन करती हूँ। तो टोंग के दोनों साइड पे हम ये स्पॉन्ज के पीसेस हैं इनको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे और ध्यान रखें कि अंदर की तरफ स्पॉन्ज अच्छे से रहे जो कि ब्लाइंड्स के ऊपर स्लाइड होगा। तो अब इसी तरह इसको भी ये ब्लाइंड की जो स्ट्रिप्स हैं इनके ऊपर स्लाइड करते चलेंगे और ये क्लीन होती जाएंगी। यहाँ पर इसमें थोड़े से स्पॉट भी मुझे दिख रहे हैं जो ग्रीस के हैं तो वो इजिली क्लीन नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक सोल्यूशन है मेरे पास मोदी केयर का स्पिन एंड साइन, तो इसको मैं इस पे ऐड कर रही हूँ और ये डायरेक्टली वर्क करता है। इसमें हमको कोई भी सोल्यूशन ऐड नहीं करना होता, जस्ट जिस चीज से हम क्लीन कर रहे हैं उस पर इसको लगा के उस एरिया में लगा दें जहां पर आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं तो ये आसानी से क्लीन हो जाता है। तो डीप क्लीनिंग के टाइम पे आप इस तरह का कोई भी सोल्यूशन यूज कर सकते हैं या आप लेमन को भी इस पर रब कर सकते हैं तो आसानी से जो दाग होते हैं वो निकल जाते हैं। और डीप क्लीनिंग में आप ध्यान रखिए कि जो भी पोर्शन है इसका वो आसानी से क्लीन हो जाए, साइड में काफी क्लीन रहती है तो उसे भी आप स्ट्रिप बाय स्ट्रिप क्लीन करते चलें। और यहाँ पर हम टोंग यूज कर रहे हैं तो ऊपर का पोर्शन भी इजीली यूज हो जाता है क्योंकि हल्का सा आप हाथ ऊपर करेंगे तो ये आसानी से उस पोर्शन तक पहुंच जाता है। इस तरह से मैंने पूरी ये ब्लाइंड क्लीन कर ली है, अब से क्लोज कर लेंगे और जो बाहर की तरफ से ऊपर से डस्ट होती है उसे भी इस तरह से रब करते जाएंगे। यहाँ पे आप एक सर्फ वाला पानी ले सकते हैं, उसमें स्पॉन्ज को डिप करके ब्लाइंड्स को क्लोज करके आप इस तरह इस पे रब कर लीजिए तो ये आसानी से सारी डर्ट निकल जाएगी। जो अभी तक मैंने मेथड बताया इस तरह से क्लीन करने का वो मैं डेली क्लीनिंग में अक्सर करती हूँ या वीकली क्लीनिंग में, लेकिन जब मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैं प्रॉपरली इसे पानी के साथ क्लीन करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बॉटल में प्लेन वाटर लिया है, इसे स्प्रे कर लेंगे इसमें तो जो भी हमने इसमें अभी सर्फ वाला पानी लगाया है वो सारा बह जाएगा। तो आप इसको अच्छे से वेट कर लें दोनों तरफ से और ये देखेंगे आप नीचे आराम से ये जो गंदा पानी है वो निकल आएगा। अगर आपको लग रहा है कि इस तरह बॉटल से नहीं होगा और आप पानी थोड़ा सा ज्यादा बहा सकते हैं किचन में तो आप इसे ग्लास से या किसी मग की हेल्प से पानी ऊपर से डाल दीजिए, लेकिन यहाँ पे किचन कैबिनेट में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि सारा पानी कैबिनेट के ऊपर आ जाए तो वो खराब होने के चांसेस होते हैं। तो हल्के हल्के आप पानी डालिए और साथ में कैबिनेट्स के या काउंटर टॉप के ऊपर जो भी पानी आ रहा है उसे क्लीन करते चलें। तो ये मेथड भी काफी इजी रहता है, इससे प्रॉपर क्लीन हो जाती है ब्लाइंड्स। तो यहाँ पर मैंने इस तरह थोड़ा पानी डाला है, थोड़ा सा ऐसे ही से वाइप किया है और अब इसे लगातार ओपन और क्लोज करेंगे ताकि जो पानी है बीच में है वो निकल जाए और ये ड्राई हो जाए।
ड्राई करने के लिए हम कोई कपड़ा यूज नहीं करेंगे, जस्ट ही एयर में ही ड्राई होगा, तो उसको इस तरह ही छोड़ देंगे और बीच में इसे ओपन क्लोज करते रहेंगे ताकि जो पानी बीच में आ जाता है वो वहां पे जमे नहीं और अपने निशान नहीं बनाए। तो इसे ओपन क्लोज करते रहेंगे बीच बीच में और इस तरह ये एयर में ड्राई हो जाएगा। और आप देख सकते हैं काफी क्लीन हो गई है ये, अभी गीली है तो थोड़ा सा आपको शाइन कम लगेगी, जैसे ये ड्राई हो जाएगी तो ये बहुत अच्छे से चमकने लगेगी। तो देखिए कितने आसान तरीके से ये मुश्किल काम भी हो गया है, क्योंकि काफी सालों से ब्लेंड को क्लीन करती हूँ किचन के, लेकिन काफी मुश्किल होती है, हर टाइम कोई ना कोई बहाना कि अभी नहीं कल करेंगे, लेकिन इस तरह से जब करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा मैसी भी नहीं होता है नीचे, तो आप आराम से इसे कर सकते हैं मंथ में एक बार और फिर आप नॉर्मल डस्टर से क्लीन कर लीजिए। यहाँ पर जो टूल्स मैंने यूज किए हैं शायद वो आपके लिए हेल्पफुल रहे हों, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप उसे कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड है और इसमें ब्लाइंड्स उलझती भी नहीं है और टूटने का भी कोई चांस नहीं है। होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।